सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बीकर सेट की सहायता से धारिता को समझेंगे और शिक्षार्थी इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाएंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य है तरल पदार्थों की धारिता को समझना और अनुमान लगाना, विभिन्न धारिता मापने वाले उपकरणों की तुलना करना, धारिता के जोड़ और घटाव की अवधारणाओं को समझना। बीकर सेट का उपयोग छात्रों को धारिता की अवधारणाओं के बारे में सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर के विभिन्न प्रकार के बीकर हैं। इस गतिविधि को करने के लिए हमें तरल पदार्थ की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि की शुरुआत हम धारिता से संबंधित कुछ पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछकर कर सकते हैं, जैसे धारिता क्या है, इसमें से कौन से बीकर में सबसे ज्यादा पानी आएगा या सबसे कम पानी आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर एक बीकर पर निशान है जो उसकी धारिता को बताता है। जैसे इस बीकर की धारिता 50 मिलीलीटर है, इस बीकर की 100 मिलीलीटर, इसकी 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और इसकी 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर धारिता है। आइए बीकर सेट का प्रयोग करके तरल पदार्थों की धारिता की अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझते हैं। इस बीकर में 750 मिलीलीटर तरल है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, उसी तरह 750 मिलीलीटर हुआ 0.750 लीटर। इस गतिविधि से हमने मिलीलीटर को लीटर में बदलना सीखा है। अब हम एक उदाहरण लेकर जोड़ की अवधारणा को सीखेंगे। मुझे इस 500 मिलीलीटर यानी 0.500 लीटर वाले बीकर में जूस चाहिए। मैं जिस दुकान में गई वहां इस नाप का बीकर उपलब्ध नहीं था। इस कारण दुकानदार ने मुझे अलग अलग बीकर का उपयोग करके जूस दिया, जिनमें 250 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर वाले बीकर शामिल हैं। क्या हम इन तीन बीकर का प्रयोग करके इस 500 मिलीलीटर वाले बीकर को भर सकते हैं? चलिए देखें। सबसे पहले हम 250 मिलीलीटर बीकर को लेंगे और इसमें डालेंगे। फिर 100 मिलीलीटर वाले बीकर को लेंगे और इसमें डालेंगे। एक बार और 100 मिलीलीटर के बीकर को लेंगे और इसमें डालेंगे और आखिर में 50 मिलीलीटर के बीकर को लेंगे और इसमें डालेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बीकर्स के प्रयोग से हमें 500 मिलीलीटर का जूस मिल जाएगा, यानी 250 मिलीलीटर जमा 100 मिलीलीटर जमा 100 मिलीलीटर जमा 50 मिलीलीटर बराबर 500 मिलीलीटर। क्या आप किसी एक बीकर का प्रयोग करके 750 मिलीलीटर जूस नाप सकते हैं? जी हाँ, 250 मिलीलीटर। चलिए करके देखते हैं।
अब हम इसमें डालेंगे एक दो और यह तीन। जैसा कि हम देख सकते हैं 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर बराबर 750 मिलीलीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 गुना 250 मिलीलीटर बराबर 750 मिलीलीटर यानी 0.750 लीटर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 50 मिलीलीटर बीकर को 15 बार प्रयोग करके 750 मिलीलीटर बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 15 गुना 50 मिलीलीटर बराबर 750 मिलीलीटर यानी 0.750 लीटर। इस गतिविधि से हमने तरल पदार्थ का जोड़ और गुणा दिखाया है। अब हम एक और उदाहरण लेकर तरल पदार्थों के घटाव को समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास 750 मिलीलीटर तरल पदार्थ है और इसमें से हम 200 मिलीलीटर तरल पदार्थ निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसमें से हमने 200 मिलीलीटर का प्रयोग कर लिया है, तो हमारे पास बचा 550 मिलीलीटर यानी 750 मिलीलीटर घटा 200 मिलीलीटर बराबर 550 मिलीलीटर। इस गणना को हम दशमलव के रूप में भी दिखा सकते हैं। इस तरह शिक्षक दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हुए इन बीकर सेट्स की सहायता से तरल पदार्थों की धारिता, उनकी तुलना, जोड़ घटाव और गुणा को कक्षा में समझा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।